नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरटीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 8 अप्रैल तक बारह राज्यों में बारिश, बिजली गिरने, आंधी का अलर्ट, पर्वतों पर बर्फबारी। कई राज्यों में बढ़ेगा तापमान, तीन मौसम सिस्टम सक्रिय, जाने दिल्ली यूपी बिहार का पूर्वानुमान। पूर्वी ईरान पर एक चक्रवर्ती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ बुधवार 5 अप्रैल तक पश्चिम हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करता रहेगा। 5 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से हल्की या मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नम दक्षिण पश्चिमी सतही हवाओं के संपर्क से पूर्व पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ व्यापक बारिश हो सकती है। देश के मौसम में फिलहाल परिवर्तन के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के बावजूद राज्य में तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 2 से 3% की वृद्धि देखी जा सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में भी 3 से 4% की वृद्धि का सिलसिला जारी रहने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में सूर्य की तपिश बढ़ने वाली है। हालांकि गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, बावजूद इसके मौसम में गर्मी खुली रहेगी। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है, जबकि अधिकतम तापमान बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पूर्वी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। असम, मेघालय, मणिपुर जैसे राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में पूरे सप्ताह न्यूनतम तापमान जहां 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाएंगे, वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज से लेकर शुक्रवार तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। सिक्किम में भी मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सिक्किम में पूरे सप्ताह बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली में बदलेगा मौसम। इधर मध्य भारत की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली में गर्मी का सिलसिला जारी रहने वाला है। हरियाणा के न्यूनतम तापमान 18 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। ह्यूमिडिटी 37% रिकॉर्ड की जा सकती है। सूर्य की किरणें तेज होंगी, वहीं सुबह और शाम हल्की ठंडी हवा चलने से मौसम सुहावना बना रहेगा। हालांकि दिन में बच्चों को लेकर सतर्क रहने के अलर्ट जारी किए गए हैं। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरटीएस समाचार।